Hello children, in this video you will get the third part of PLOS. PLOS के हमने दो video already YouTube पे डाल रखे हैं, PLOS part 1, PLOS part 2 and this is PLOS part 3. इसमें topic तो मैंने synthesis का दिया है, लेकिन ये PLOS का ही part 3 है. क्यों पहले मैं इसको clear कर दूँ? क्योंकि PLOS ही एक main इसका इसे बेस कह लीजिए. विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लॉज यू कैन नॉट रीच टुवर्ड्स दिस टॉपिक. इस टॉपिक तक आप बिना क्लॉज को समझे नहीं पहुंच सकते. इसलिए जो भी इसका भी एक पार्ट और बनेगा, ये जो चार पार्ट बनेंगे वो क्लॉज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4. दिस इज पार्ट 3. ओके, अब सिंथेसिस के लिए मैंने जो पार्ट 2 बनाया है उसमें सिंथेसिस का काम वहां से शुरू किया है. सिंथेसिस का मतलब है, मैंने बताया भी था कि सिंथेसिस मीन्स टू ज्वाइन. ओके, ज्वाइन ज्वाइन करना है, उसमें आपको कंबाइन करना है. व्हाट यू हैव टू कंबाइन, व्हाट थिंग्स आर गोइंग टू बी ज्वाइन, दोज थिंग्स आर ऑलरेडी एक्सप्लेन इन पार्ट 2, वेयर आई हैव एक्सप्लेन सिंपल सेंटेंस. जो क्लॉज पार्ट 2 बनाया है जिसमें सिंपल सेंटेंस को मैंने डिफाइन किया है, सिंपल सेंटेंस बनाने का जो प्रोसेस है उसमें मैंने बताया है आपको. अब हम इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस. क्लॉज पार्ट 1 में मैंने इस बात को चर्चा की थी कि क्लॉज हैव थ्री टाइप्स, सेंटेंस और आल्सो ऑफ थ्री टाइप्स. इनके टाइप्स को बताया था, क्लॉज के थ्री टाइप्स आपको बता ही चुके हैं, सेंटेंस के थ्री टाइप्स काफी जिक्र मैं कर चुकी हूँ. सेंटेंस के पहले टाइप यानी कि सिंपल सेंटेंस के बारे में मैंने सेकंड क्लॉज पार्ट 2 में मैंने डिस्कस किया है, और इस वीडियो में सेंटेंस का दूसरा टाइप कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कैसे बनता है, क्या प्रोसेस है कंपाउंड सेंटेंस बनाने का, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट. ओके, तो क्लॉज के बारे में शॉर्ट में एक बार जरा फिर से शॉर्ट डिस्कशन हो जाए. क्लॉज एंड सेंटेंस, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन क्लॉज एंड सेंटेंस, बोथ आर हैविंग देयर ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. But clause doesn't give the complete sense and sentence gives complete sense. Okay? And sentence के अंदर आपको दो या दो से अधिक clauses आपको मिल जाएंगे. तो clause ये अहमियत है कि clause एक sentence को frame करने में अपना एक role अदा करता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह, क्योंकि simple sentence में एक ही clause होती है. दिखने में उसमें दो एक्टिविटी दिखती है तो क्लॉजेस को जोड़ देते हैं हम, तो एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट जैसा सिनेरियो वहां पे दिखाई देता है. कंपाउंड में आपको दोनों क्लॉजेस या दो से अधिक क्लॉजेस जो होते हैं वो आपको दिखाई भी पड़ेंगे. कैसे, चलिए देखते हैं. कंपाउंड सेंटेंस के लिए हमने बताया था आपको पार्ट 1 में, फिर एक बार डिस्कस कर ले रहे हैं कि कंपाउंड सेंटेंस में एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज. अब प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है इसको पार्ट 1 में देख लीजिए. प्रिंसिपल क्लॉज मींस द बेस ऑफ द सेंटेंस, कि कोई भी एक्टिविटी जो होती है वो उसकी जो बेस एक्टिविटी क्या होती है. जैसे आई वेंट टू मार्केट, ओके, एंड आई परचेस्ड सम बनानास. ठीक है, अब दो एक्टिविटी है, एक तो जाने की, वेंट से पता चल रहा है जाने की एक्टिविटी हुई है, एक परचेजिंग बनाना परचेजिंग की, परचेजिंग दो एक्टिविटी हुई है ना. तो अब इसमें मुख्य बात क्या है, बनाना परचेजिंग हुआ है इसलिए जाना हुआ, या जाना हुआ है इसलिए बनाना परचेजिंग पॉसिबल हुआ. यहाँ आपको बच्चों डिसाइड करना है कि उन दोनों एक्टिविटी में बेस क्या है, किसकी वजह से अगली एक्टिविटी हुई है, जिसकी वजह से अगली एक्टिविटी हुई है, दैट इज प्रिंसिपल क्लॉज. ठीक है ना, कि भाई मार्केट अगर गए ना होते तो बनाना नहीं खरीदते, लेकिन क्या कहते हैं, बनाना खरीदा है तो उसके बेस में आओ, बनाना खरीदने के पहले जो एक्टिविटी हुई है दैट इज प्रिंसिपल क्लॉज. इज इट क्लियर? तो एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, प्रिंसिपल क्लॉज सिर्फ वन एंड ओनली वन प्रिंसिपल क्लॉज विल बी इन द सेंटेंस. एक ही प्रिंसिपल क्लॉज होगा और वन और मोर देन वन टू थ्री वट एवर, एक या एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, जितने भी क्लॉजेस
जितने भी क्लॉजेस इसमें ऐड होंगे, तो अब वो क्लॉजेस कौन होंगे? हमने क्लॉज की सेकेंड टाइप में आपको बताया था कोऑर्डिनेट क्लॉज। मतलब कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमें एक प्रिंसिपल क्लॉज की जरूरत पड़ती है और एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज की जरूरत पड़ती है। ठीक, ये स्पेसिफिक एक रूल, कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज की जरूरत पड़ती है। कोऑर्डिनेट क्लॉज को हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि कोऑर्डिनेट क्लॉज एक समान पदीय उपवाक्य है। समान पदी का मतलब क्या होता है? जिसको जो प्रिंसिपल क्लॉज के ही इक्वलेंट होता है। अब वो इक्वलेंट किस तरह से होता है अभी हम इसके आगे बताएंगे। इक्वलेंट होने के लिए उसमें बहुत ज्यादा आपको दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। इक्वलेंट होने के लिए उसके कुछ इजिएस्ट रूल है, अभी उसी के जरिए इक्वलेंट है कि नहीं है वही से आप डिसाइड कर लेंगे। लेकिन ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज ही होंगे। गलती से सबऑर्डिनेट क्लॉज मत कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने सबऑर्डिनेट क्लॉज कर दिया तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। हमें इस बात को बिल्कुल दिमाग में रट के बैठना है कि कंपाउंड के लिए एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। ठीक है, ये तो था एक बेसिक रूल। अब हम आते हैं कि आखिर हम पहचानेंगे कैसे कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज पहचानने के लिए थोड़े कुछ देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। बच्चों कभी कभी वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, हमने उन्हीं सारे रूल्स को थोड़ा सा मिनिमाइज किया है और टू द पॉइंट करने की कोशिश की है। वो टू द पॉइंट अगर लेकर के हम चलते हैं तो हमारे लिए कोऑर्डिनेट क्लॉज को पहचानना बहुत आसान हो जाता है। कैसे, आइए देखते हैं। हमने अभी कहा कि एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, लेकिन ये एक इस प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज के बीच में भी कुछ होता है, दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन। ओके, एक कंजंक्शन से ये प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बच्चों कंजंक्शन नहीं रहेगा तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। कंजंक्शन प्लेज द वेरी डोमिनेंट रोल इन फ्रेमिंग कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इफ यू फॉरगेट और इफ यू हैव पुट द रॉन्ग कंजंक्शन ओवर देयर, योर सेंटेंस कैन नॉट बी फ्रेम करेक्टली। इसका ध्यान रखें कि अगर आपने कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं किया या कंजंक्शन आपने गलत लगा दिया सो सेंटेंस कैन नॉट बी फ्रेम। ओके, तो प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज के बीच में हमें एक कंजंक्शन की आवश्यकता पड़ती है। अब बच्चों मैं उन्हीं कंजंक्शंस की ही चर्चा इस वीडियो में करूंगी ताकि आपके लिए आसान हो जाए, क्योंकि उन्हीं कंजंक्शंस के बाद आने वाला जो क्लॉज होगा दैट इज कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, वो कौन से कंजंक्शन होंगे जो प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज के बीच में आते हैं, इसको जानने की जरूरत है। इससे आसान और भी तरीके हैं, आपको दूसरे और भी डिटेल्स आप गूगल और यूट्यूब से आपको मिल जाएंगे, बट दैट इज द वेरी लॉन्ग प्रोसेस। इजिएस्ट को पर ही हम डिस्कस करना चाहेंगे कि प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेट क्लॉज को के बीच में जो कंजंक्शन आ रहा है हमारा, वो कंजंक्शन वो होता है कि एग्जैक्ट उन्हीं कंजंक्शन के बाद ही आपको कोऑर्डिनेट मिलेगा और किसी कंजंक्शन के बाद नहीं, ये ध्यान में रखिएगा। कैसे वो कंजंक्शन कौन है, चलिए देखते हैं। वो कंजंक्शन है कंपाउंड को जोड़ने के लिए, जो हमें कंजंक्शन है उन्हीं के लिए एक क्या कहें, शॉर्ट फॉर्म कह लीजिए, इसको रूल कह लीजिए या इजिएस्ट फॉर्म कह लीजिए, और उसको नाम दिया है फैन बॉयज, FANBOYS, फैन बॉयज। अगर फैन बॉयज ध्यान में रहेगा तो आप कोऑर्डिनेट क्लॉज को तुरंत चुटकियों में आप पहचान लेंगे। कैसे, जो ये फैन बॉयज है इनके अलग अलग, इनका अलग अलग, इनका एक पर्टिकुलर वर्ड है, ये केवल शॉर्ट फॉर्म है। एफ का भी कोई फुल फॉर्म है, ए का भी है, एन बी ओ वाई एस, सबका अलग अलग फुल फॉर्म है, शॉर्ट केवल दिया हुआ फैन बॉयज। वो इन लेटर्स के वो फुल फॉर्म क्या है आइए देखते हैं। एफ फॉर फॉर, A for N, N for Nor, B for But, O for Or, Y for Yet, S for So or Sometimes So That, Sometimes So or So, so That। अब ये कैसे है आइए देखते हैं।
अगर ये कंजंक्शंस प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज के बीच में है, ठीक है, अगर ये कंजंक्शंस आपके प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज के बीच में है और सेंटेंस सही लिखा है, तो आपका कंपाउंड सेंटेंस बनने से रुक ही नहीं सकता, डेफिनेटली कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। कैसे देखते हैं, सबसे आसान वाले से शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे आसान पड़ता हमारा एंड से शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं एंड कंजंक्शन कहाँ होता है। तो इतना तो जब हम लोगों ने कंजंक्शन पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में 9th-10th में पढ़ा है, ये तो चूंकि ये टॉपिक ही जस्ट फॉर 12th स्टैंडर्ड है, लेकिन 9th-10th में जब पढ़ा है तो कंजंक्शन के बारे में हमने इतना पढ़ा है कि कंजंक्शन प्लेज द डोमिनेंट रोल इन कंबाइनिंग टू ऑब्जेक्ट्स और टू क्लॉजेस, है ना भाई। कंजंक्शन की डेफिनेशन छोटे बच्चे तो बस एंड से काम चला लिया जो 6th-8th के हैं, लेकिन 9th ऑनवर्ड्स बहुत सारे कंजंक्शन हमारे सामने आते हैं, हमारे कोर्स में आते हैं, वो फॉर एंड नॉट बट और येट सो दैट बट ऑल्सो वेयर वॉट Why, who, that, if, as, बहुत सारे कंजंक्शन हमारे सामने आते हैं, ठीक है ना। तो कंजंक्शन का सारा डिटेल आपको 9th onwards कंजंक्शन के बारे में आप पढ़ना शुरू करते हैं। तो अब हम एंड से शुरू करते हैं कि एंड नाम का कंजंक्शन आपने लगाया तो उसके बाद किस लेवल का आपका, किस तरह का सेंटेंस आपका होगा, वो क्या होगा, चलिए देखते हैं। आपको जो सिंथेसिस करने के लिए आएगा, दो या तीन क्लॉजेस आपको दे दिए जाएंगे, आपको बोल दिया जाएगा मेक द सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। हम सिंपल को आपको बता चुके हैं, कंपाउंड पे देखते हैं। दो क्लॉजेस हमने सामने लिखे हैं, he went to Agra, he saw the Taj. Here in these two clauses, I am using the word clauses for these two. मैं क्लॉज वर्ड यूज कर रही हूँ क्योंकि he went to Agra is not giving the complete sense. भाई आगरा गया तो क्वेश्चन माइट बी अराउज्ड दैट व्हाई डिड ही गो टू आगरा, व्हेन डिड ही गो टू आगरा, तो व्हाई और व्हेन एंड हाउ का जो जवाब देगा अगर कोई क्लॉज तो डेफिनेटली सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा। ही व्हेन टू आगरा ही सॉ द ताज, देयर आर टू डिफरेंट क्लॉजेस एंड व्हेन वी कंबाइन दीज टू व्हाट विल बी इट्स फॉर्म, यू जस्ट सी दिस। Here I am going to write the example of and, this conjunction. He went to Agra and saw the Taj. ये sentence है, ये हमारा इसका compound form है। He went to Agra and saw the Taj. अब ये जो एंड कंजंक्शन है, मैं सिर्फ और सिर्फ एंड की बात कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे कंजंक्शन यहाँ और भी यूज हो सकते हैं दूसरे, अभी एक एग्जांपल देती हूँ, लेकिन केवल एंड कंजंक्शन ही इसको कंपाउंड बना सकता है। अगर बच्चों हमने एंड की जगह वेयर कर दिया, वेयर और यहाँ पे ही लगा दिया कि वेंट टू आगरा वेयर ही सॉ द ताज, तो ये कंपाउंड नहीं, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसलिए कंजंक्शन के रोल को समझने की आवश्यकता है कि हम कंजंक्शन अगर सही लगाए हैं तो क्लॉज हमारा उसी के अकॉर्डिंग ही होगा, दूसरा नहीं होगा। He went to Agra and saw the Taj. This is the compound form of these two clauses. इसलिए कंजंक्शन पर हम ज्यादा जोर दे रहे हैं इस वीडियो में। He went to Agra and saw the Taj. If anyone has put over there, where sentence will be complex, not the compound. तो इतना बड़ा रोल कंजंक्शन का ही हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, रवि इज इल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, रवि बीमार है और वो स्कूल नहीं गया, ठीक, दोनों ही क्लॉज है अपने आप में, वो बीमार है, कब से बीमार है, क्या हुआ, इज सो व्हाट, बीमार है तो क्या हो गया, व्हाट थिंग्स आर अफेक्टेड, और ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ये भी एक क्लॉज है, व्हाई डिड ही नॉट गो टू स्कूल, व्हेन ही डिड नॉट गो टू स्कूल, तो इट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट गिविंग कम्प्लीट सेंस, ये भी कंप्लीट नहीं दे रहा, ये भी कंप्लीट नहीं दे रहा, तो दोनों इनकंप्लीट को हमने जोड़ दिया तो एक कंप्लीट देने वाला जो बनेगा दैट विल बी कॉल्ड सेंटेंस। लेट अस सी, रवि इज इल सो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, मतलब हमने सो नाम के इस कंजंक्शन से इसको जोड़ दिया। अभी मैंने फ्रेंड वॉइस में ये सो आपको मिला,
फैन वॉइस में आपको सो मिला, रवि इज इल सो ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, अब सो कर दिया, यही पर हम आपको सो दैट के बारे में बता रहे हैं। ही वेंट टू आगरा और चलिए ही सॉ द ताजमहल। अब हम यहाँ सो दैट देख लगा के देख सके, या चलिए ही वेंट टू आगरा सो दैट ही कुड सी द ताज। लेट अस सी, अगर हम सो की जगह सो दैट लगा देते हैं तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और वो भी हमारा कंपाउंड बनेगा। ही वेंट टू आगरा सो दैट ही कुड सी द ताज। देखिए हमने यहाँ पे दैट एंड लगा करके बनाया था, हमने सो दैट लगा दिया। ही वेंट टू आगरा सो दैट ही कुड सी द ताज, वो आगरा गया ताकि वो ताजमहल देख सके, ताज को देख सके। तो आपने बच्चों ये एग्जाम्पल जो मैंने एंड सो सो दैट का दिया, इसे कुछ समझ में आ रहा होगा ना कि जो कंजंक्शंस है, कंजंक्शन अगर आपने सही यूज किया है तो इसके बाद किस लेवल का, किस तरह का सेंटेंस होगा वो इजीली आप समझ पाएंगे। तो कंजंक्शंस को याद करना आसान भी है, फैन बॉयज अगर याद है तो दैट्स ऑल, दैट इज सफिशियंट। फैन बॉयज अगर याद रहेगा तो आपको कंजंक्शन ध्यान में रहेंगे, और कंजंक्शन ध्यान में रहेंगे तो बाकी का सेंटेंस आप उसी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। चलिए एक येट का बनाते हैं, येट का देखते हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसको जरा हम येट लगा करके देखते हैं। वाई को येट, He is rich, yet he is honest. वो अमीर है फिर भी वो ईमानदार है। दो बातें हुई ना, दोनों अपने आपने yet नाम की कंजंक्शन से जोड़ करके आपने कंपाउंड बना दिया। ऐसे ही आप और का भी बना सकते हैं, हम इस पे आते हैं। Hurry up, you will be late. तो क्या हो सकता है, Hurry up और You will be late. अब यहाँ पर बच्चों ये जो और है, अगर केवल और आया है तो यहाँ पे और या तो के सेंस में नहीं आया है। अगर आइदर और लगा हुआ है तो या तो ये या तो वो लगेगा, लेकिन अगर केवल और आया है तो यहाँ पर सेंस अदरवाइज का होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ये अदरवाइज के सेंस में आया है। हरी अप अदरवाइज यू विल बी लेट जैसे सेंटेंस ये भी सही है अपने आप में, और इस और के साथ यहाँ पे अदरवाइज लिख सकते हैं। ठीक है हरी अप और यू विल बी लेट करो, या हरी अप अदरवाइज यू विल बी लेट। तो ये रहा आपका और का यूज। कहने का मतलब है कि अगर आपका कंजंक्शन सही है तो आपका जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो गलत नहीं हो सकता है। मेरे कहने का मतलब यही है कि आप इस वीडियो के थ्रू आप इस फैन बॉयज के इस स्ट्रक्चर को अगर समझ लिए हैं तो आप इनके फुल फॉर्म को भी समझ गए होंगे, और अगर ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है तो कोऑर्डिनेट क्लॉज कैसे हम पहचानेंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि इन कंजंक्शन के बाद बच्चों केवल और केवल कोऑर्डिनेट क्लॉज ही आएगी, ना कि सबऑर्डिनेट ना कि प्रिंसिपल। ओके चिल्ड्रन, सो This is the detail for compound sentence, how you will make compound sentence. And just to understand this, it's my request to all of you that first you try to watch my clause part 1, clause part 2, then it will be easier to understand. और इसके बाद अभी clause part 4 बनेगा, तब जाके आपका clause या synthesis का एक chapter complete होगा. Thank you so much.